ओम हर हर मोदी, ओम मोदियाय मोदी, ओम मोदी 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 मोदी, भगवान मोदी की जय हो। आप लोग मान लो कि मोदी ही कलयुग के भगवान है, मानते नहीं हो ना? भगवान होते क्या है? भगवान वो होते हैं जो किसी के बुरे कर्मों का लेखा जोखा रख करके और मौका पड़ने पर उसको दंड देते हैं, वही भगवान होते हैं। और भगवान वो होते हैं जो किसी को पर अगर प्रसन्न हो जाए तो उसको मनचाहा वरदान देते हैं, उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं, तो यही भगवान होता है। अब देखिए, शिवराज सिंह चौहान को दंड देने वाला कौन? प्रभु मोदी। शिवराज सिंह चौहान जो है अपना खजाने से खूब पैसा, लाडली बहना और ये और वो, और बड़े प्रिय होते जा रहे थे लोगों के, लाडली बहना सब कर रहे थे ना। भगवान वहाँ से बैठे देख रहा था, भगवान ने चुनाव के टाइम पे उनका नाम काट दिया, फिर भी लग रहा था कि उन्होंने बड़ी मेहनत मशक्कत, लाडली बहना हो ना, दिन रात रैली और जुगाड़ और जाग करके थक करके इतना व्यवस्था करके उन्होंने इतनी प्रचंड जीत दिलाई। लेकिन प्रभु के पास सारा रिकॉर्ड था, प्रभु ने उनको दंड दिया। आज शिवराज मामा इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं के ना रहे। तो ये होते हैं भगवान। वही देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया जो राजस्थान में थी, उनको भी प्रभु ने दंड दिया। वो कितना सब बता रही थी ना कि हम ये इतने विधायक और इतने और ये मीटिंग और वो मीटिंग और पीछे से और ऐसे और दबाव और प्रेशर, प्रभु की नज़र में सब कुछ था। प्रभु ने मौका मिलते ही सबसे पहला दंड दिया। तो प्रभु दंड देने का काम करते हैं। देखिए आडवाणी जी याद हैं, हैं आडवाणी जी रथ यात्रा मंदिर चंदा और बवाल और पाकिस्तान में जाके माथे पे जिन्ना की मजार पे जो है माथा टेकना, ये सब था, सब प्रभु की नज़रों में तब से गौर कर रहे थे। और प्रभु को जैसे ही अवसर प्राप्त हुआ, प्रभु ने तुरंत दंड दे करके मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया, वहाँ पर आज तक पड़े हुए हैं, है कि नहीं? तो भगवान कौन हुआ? प्रभु श्री मोदी जी। और जिसके ऊपर प्रभु प्रसन्न हो गए, देखिए छत्तीसगढ़ में विष्णु साव भक्ति भाव, प्रभु प्रसन्न हुए और मुख्यमंत्री का आशीर्वाद दे दिया। यहाँ पे मोहन मुरली वाले जो भी थे, यादव जी हैं, देखिए कौन थे कोई नहीं जानता है, लेकिन प्रभु की नज़र में थे। प्रभु ने उनकी भक्ति का, उनकी सेवा का आनंद दे करके उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। वही राजस्थान में हुआ, क्या हुआ? भजन लाल जो सालों से भजन कर रहे थे और भजन भगवान तक बराबर पहुँच रहा था, तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दे के उन्हें भी मुख्यमंत्री बना दिया और उनको श्राप दे करके, उनको दंड दे करके वसुंधरा जी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, शिवराज सिंह मामा को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, डॉक्टर रमन सिंह जी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, आडवाणी जी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया और बाकी और जो तमाम लोग हैं वो प्रभु की नज़र में हैं। प्रभु उनमें से कितने लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचाएंगे? कितने सांसदों को विधायकी का टिकट दे दिया, उसमें से कुछ हार गए तो प्रभु ने अपने ऊपर, देखिए प्रभु कभी अपने ऊपर नहीं लेता है, तो प्रभु ने उन सांसदों को केंद्रीय मंत्रियों को दिया, हार गए बेचारे वैसे ही किनारे लग गए, हिल ले रोजी बहाने मौत, प्रभु अपने ऊपर कभी नहीं लेता है। और कितने सांसद थे उनको विधायक बना करके उनका डिमोशन करके उधर किनारे डाल दिया, तो प्रभु की नज़र में सब रहता है, किसको दंड देना है, किसको कितना बड़ा दंड देना है, किसको थोड़ा कम दंड देना है, किसको केंद्रीय मंत्री से विधायक बना करके निचोड़ के डाल देना है, तो ये प्रभु की महिमा है। तो भाइयों और बहनों, अब तो मान लो कि मोदी ही भगवान है, है और भगवान जो चाहे वो करे। भगवान को दंड देने वाला कौन है? भगवान को कोई दंड दे सकता है? भगवान जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं उसको जो है आशीर्वाद देते हैं, कहीं से कहीं पहुंचाते हैं, और जिसके ऊपर भगवान की नज़र टेढ़ी हो जाती है उसको शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे बना दिया जाता है। तो अब तो आम जनमानस को भी मान लेना चाहिए कि वही भगवान है। जो लोग चिल्लाते हैं ना महंगाई महंगाई, महंगाई कुछ नहीं है, ये प्रभु की लीला है। जिन लोगों को लगता है कि रोजगार और ये वो कुछ नहीं है, वो सब प्रभु की लीला है, क्योंकि प्रभु को मालूम है कि रोजी रोजगार महंगाई ये कुछ नहीं है, ये सब मिथ्या है। जो कुछ लोग कहते हैं कि वो ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, उन्होंने क्या क्या किया,
किया होगा, लेकिन प्रभु की नजर में उनको गलत नजर नहीं आया, इसलिए अभी भी बगल में बिठा करके रखा है। पीछे टेनी का टेनू, जो जिनके लड़के ने जीप चढ़ा दी थी, उनको भी बगल में बिठा के रखा है। रमेश विधूड़ी, जिन्होंने लोगों को लगता है कि गंदी गंदी गालियां और ये सब संसद में दी, लेकिन प्रभु की नजर में वो बड़ी शोभनीय भजन थे। प्रभु आनंदित हुए, प्रभु ने कोई उनको दंड दिया नहीं दिया। तो प्रभु जिसको दंड देते हैं, दंड वही होता है, बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब माया है, प्रभु को सब मालूम है। तो हे भक्तजनों, अब आप लोग भी मान लो कि यही प्रभु हैं। प्रभु जो जैसा चलाएंगे वैसा चलना पड़ेगा, प्रभु जहाँ बिठाएंगे बैठना पड़ेगा, प्रभु महंगाई बढ़ाएंगे आपको झेलना पड़ेगा, जहाँ किसी के साथ कोई शोषण होगा प्रभु चुप रहेंगे, प्रभु की महिमा देखनी पड़ेगी। अगर किसी को प्रभु के द्वारा किए गए कार्यों से कोई आपत्ति होती है तो ये प्रभु की गलती नहीं है, ये आपके किए हुए कर्मों का फल है जो आप भुगत रहे हैं। प्रभु हमेशा जो करते हैं, जो सोचते हैं, वो उनकी सोच बड़ी अद्भुत है। आज देखिए अपोजिशन के लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, क्यों? प्रभु की कृपा उनके ऊपर नहीं है। इधर देखिए, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है? तो ये प्रभु की माया है, प्रभु की माया पे भरोसा रखो। तो बोलो मोदी आई, मोदी मोदा, मोदी मोदा, मोदा मतलब मोदक, मोदी जो भी है ना, तो मोदी ही भगवान है। यकीन ना हो तो देख लो। जय हो। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।